अभी हम जस्ट यहाँ बीच साइड पे आ गए हैं, जो हमारे रिसोर्ट का बीच साइड है वहाँ पे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और मेरे फोन में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पा रही हूँ। मैंने हमेशा बताती भी आ रही हूँ आपको, और कल भी ऐसा ही हुआ। लास्ट जब मैंने वो जब हमने गाड़ी दी थी वहाँ पे वापस से, उसके बाद मेरा फ़ोन बिल्कुल बंद हो गया, वो नहीं चल रहा था। और उसके बाद हम फिर वापस होटल आए। होटल आने के बाद चेंज वेंज किया, और फिर उसके बाद हम डिनर के लिए चले गए। डिनर किया हमने आज, मतलब कल जो है रात में, कल अलग जगह किया। हम दो बार से अंडमान रेस्टोरेंट में ही कर रहे थे, और कल हमने किसी और, पंकज है वहाँ पे किया था। मैं शूट नहीं कर पाई थी, पिक्स वगैरह लिए हैं तो शायद मैं डाल दूँगी। और अभी हम ब्रेकफास्ट करके रेडी हो गए हैं। मैंने क्लिप ले लिया था थोड़ा बहुत जब हम रूम में थे। लास्ट हमारा बालकनी का जो व्यू है और जो हमने ब्रेकफास्ट किया उसका मैंने क्लिप लिया है, वो मैं ऐड कर रही हूँ, आप देख लीजिए। हे गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल लवीनाज लवली लाइफ, एंड वेलकम टू माई अनदर व्लॉग, अंडमान व्लॉग्स एपिसोड 10। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो आपने अंडमान व्लॉग्स के काफ़ी सारे एपिसोड मिस कर दिए हैं, सो डोंट वरी, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आप ये वीडियो देखने के बाद उसे ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अब हमारी कैब को आने में टाइम है, 9:45 का उसका टाइम है, और हमारी फेरी का टाइम है 11 o'clock। तो अभी हम जस्ट यहाँ बीच साइड पे आ गए हैं, जो हमारे रिसोर्ट का बीच साइड है वहाँ पे, और यहाँ पर आके थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और जैसे ही 9:45 होगा कैब आएगी, फिर हम चले जाएंगे फेरी के लिए। और ये आज लास्ट दिन है नील आइलैंड पे, और अब हमारी वेकेशन का भी दिन ये लास्ट ही है, क्योंकि कल हम निकल रहे हैं वापस मुंबई के लिए। वैसे आज पोर्ट ब्लेयर पहुँचेंगे, वहाँ पर थोड़ा बहुत जो भी देखना होगा वो देखेंगे, और फिर कल हमारी फ़्लाइट है मुंबई के लिए। I am definitely going to miss this beautiful place. यहाँ से हमारी जेटी आएगी, यहाँ से इस पॉइंट से। अब हम निकल गए हैं जेटी पॉइंट के लिए, क्योंकि टाइम हो चुका है, कैब भी आ गई थी लेने टाइम पे। और ये लास्ट टाइम नील आइलैंड की गलियों में हम घूम रहे हैं, लाइक जा रहे हैं कहीं। नाउ वी आर रीच्ड एट जेटी पॉइंट। सीट मिल चुकी है हम लोगों को, सेटल डाउन हो चुके हैं, और ये लास्ट राइड है जेट्टी राइड नील आइलैंड की, और इवन अंडमान की लास्ट राइड है, और हम निकल गए हैं पोर्ट ब्लेयर के लिए। सी द वेदर, माय गॉड। एक्चुअली जस्ट रीच्ड एट पोर्ट ब्लेयर, और यहाँ का जो वेदर हो रहा है बहुत ही ख़तरनाक मज़ेदार है। और अभी बस लगेज वगैज कलेक्ट करके हम लोग बाहर निकल रहे हैं कैब के लिए। जस्ट पोर्ट ब्लेयर पहुँचे हैं, और यहाँ पर हमारी जो कैब है, जो भी कार है, उसका वेट कर रहे हैं, और ये हम एंट्रेंस पे खड़े हैं। अभी बहुत गर्मी लग रही है, मतलब ह्यूमिडिटी बहुत हो रही है, पता नहीं बर्दाश्त नहीं हो रहा एकदम से। उसमें से निकल के बाहर आए ना, तो ऐसा लग रहा है कि बस अब बर्दाश्त के बाहर है ये गर्मी। अब देखते हैं कितनी देर में आते हैं भैया, बहुत देर से वेट कर रहे हैं हम लोग।
फाइनली भैया आए, हमारी कैब आई और अभी हम निकल रहे हैं होटल के लिए। वापस से पोर्ट ब्लेयर की गलियों में हम घूम रहे हैं अगेन, और पोर्ट ब्लेयर भी नो डाउट बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छी सिटी लगी मुझे। तो अभी वापस से हम होटल आ चुके हैं और ये सेम होटल है जब लास्ट टाइम हम पोर्ट ब्लेयर में रुके थे, तो वही सेम है ओलिव होटल। और इसका दोबारा से रूम टूर दे देती हूँ, सेम रूम नहीं मिला है, रूम अलग है, बट देख लो। और इसमें बस एक ही प्रॉब्लम लगी थी मुझे लाइटिंग की, क्योंकि मिरर के पास लाइटिंग की मतलब कमी लगी मुझे। चेक इन कर लिया, फाइनली रूम मिल गया है, रूम में आ गए हैं। ओलिव जो होटल है इसका मतलब ख़ास बात यह है कि हम तीन होटल में चेक इन चेकआउट करके आए हैं, तो तीनों में से ओलिव द बेस्ट है। इसके रूम्स, सर्विस, ईच एंड एवरीथिंग मुझे ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि रूम में आके फील होता है कि हाँ आप होटल में आए हो एटलीस्ट। तो अभी बस थोड़ा रेस्ट करेंगे, शाम को शॉपिंग टूर है, और उस शॉपिंग टूर के साथ हमारा ये जो हमारा वेकेशन है और जो पैकेज है ये ख़त्म हो जाएगा। और कल हमारी फ़्लाइट है, मैंने बता दिया था आपको, तो उस शॉपिंग टूर के बाद कुछ भी नहीं रह जाएगा पैकेज में, फिर उसके बाद हम फ्री हैं और बस हमें फ़्लाइट पकड़नी है, दैट्स इट। अभी तो रेस्ट करेंगे, लंच, भूख लगेगी तो लंच करेंगे, अदरवाइज रेस्ट करेंगे। लंच के लिए जा रहे हैं अभी। एक्चुअली क्या है, मेरे को तबीयत ठीक नहीं लग रही है। नोटिका में भी जब हम थे ना, तब भी मुझे बहुत मतलब ऐसा हो रहा था, वॉमिट जैसा मन हो रहा था, तो फिर यहाँ पर आने के बाद ठीक हो गया था, बट फिर अभी जैसे हम रेस्ट कर रहे थे तब दोबारा होने लग गया, तो पता नहीं क्या हो रहा है। और थोड़ा बहुत जो भी भाएगा वो खा लेंगे, हो सकता है शायद भूखा पेट हो इसलिए हम नहीं हो पाया हो। तो इसी के ही रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, कहीं बाहर एक्सप्लोर करने का अभी हिम्मत नहीं है। इसी के ही रेस्टोरेंट में जाके जो भी होगा लंच देख लेंगे, बाकी अब मैं सेफली मुंबई पहुंच जाऊं। ओलिव होटल के रेस्टोरेंट की एक बात तो माननी पड़ेगी, यहाँ पर कैसे भी कंडीशन में आ जाओ, यहाँ का जो लुक है, जो व्यू है, वो देखकर सच में तबीयत एकदम ठीक हो जाती है। नाउ आई एम फीलिंग बेटर, और ये व्यू तो सच में जानलेवा है। और अब हमारा ऑर्डर भी आ गया है, पर ये व्यू देख के तो सारी भूख भी मिट गई मेरी, बट खाना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो पेट में जाना चाहिए। सो अभी हम कर लेते हैं लंच, फिर मिलते हैं। तो अभी हो चुकी है काफ़ी शाम, हम लोग आ चुके हैं वापस शॉपिंग टूर पे, जो था हमारा आज पैकेज का लास्ट। और शॉपिंग टूर के नाम पे हमें इस टाइप की दो शॉप दिखा दी गई थी कि आप यहाँ पर जाइए और शॉपिंग कर लीजिए, दैट्स इट। बट अभी हम आ गए हैं डिनर के लिए, और वापस ही वही लेन है मरीना पार्क वाली, हाँ, जहाँ पर मैंने कहा था चौपाटी, फूड ट्रक्स वगैरह, अगर आपने मेरा देखा होगा वीडियो, तो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके चेक कर लीजिए ना। तो वहीं पे आए हैं अभी हम, और बस यही खाने का मन है, दैट्स इट, हमने ये ऑर्डर किया है और अभी हम डिनर कर रहे हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, और अभी हम रेडी हो गए हैं जाने के लिए। एक्चुअली हमें चेकआउट तो पहले ही करना पड़ेगा ना, तो 9 बजे का चेकआउट टाइम है। हम लोग रेडी होके अपना बैग पैक करके बस चेकआउट के लिए रेडी हैं, और चेकआउट के बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे। और मेरे फ़ोन में स्टोरेज की प्रॉब्लम आ रही है, आपको पता ही है, इसलिए मैं प्रॉपर शूट नहीं कर पा रही हूँ, मैं बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ, तो प्लीज़ आप इसे इग्नोर करना और मेरे वीडियोज़ को पूरा देखना बिना स्किप करे हुए, क्योंकि आपको मैं बहुत मतलब कोशिश कर रही हूँ कि कैसे ना कैसे क्लिप लेके या पिक लेके कुछ भी करके मैं आपको वो चीज़ दिखाऊँ कि मैंने क्या किया या क्या नहीं। तो अभी तो हम ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे चेकआउट के बाद, और उसके बाद हम फ्री हैं 2-3 घंटे, क्योंकि हमारी फ़्लाइट में टाइम है। तो हम क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, अभी कोई प्लानिंग नहीं है, या फिर सिर्फ होटल में ही बैठ के टाइम पास करना है, ये भी कुछ नहीं पता है, बट देखते हैं क्या करते हैं। बाकी कल हमने क्या किया था,
डिनर के लिए हम लोग गए थे, आपको पता ही है, हमने वहाँ पे फालूदा भी खाया दोबारा से जो हमने पहले खाया था, वहीं जाके हमने स्पेशली हम फालूदा के लिए गए थे। डिनर तो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री हो गया हमारा। और बाकी वो फालूदा जो है, मैंने बताया था वो राजस्थान के भैया हैं और उनकी जो लैंग्वेज है उससे हम पहचान ही गए थे, तो उनसे मिल के बहुत मतलब मज़ा आया, वो भी पहचान गए और बहुत अच्छे से बात करी। तो बस फिर डिनर किया, फालूदा खाने के बाद हम उल्टा काम करते हैं, हम पहले डेजर्ट ले लेते हैं, डेजर्ट उसके बाद हम डिनर करते हैं। तो डिनर करने के बाद फिर हमने ऑटो किया और हम आ गए, और फिर उसके बाद तो हम सो ही गए थे। खैर, और बस हम जा रहे हैं अभी, और लास्ट टाइम बाय बाय कर रहे हैं हम इस रूम को भी, पोर्ट ब्लेयर को भी, अंडमान को भी, सबको बाय बाय, और इस वेकेशन को भी बाय बाय कर रहे हैं हम। अभी 2-3 घंटे हैं, 2-3 घंटे बाद एक बार फिर से और बाय बाय करूँगी मैं इन सब चीज़ों को। सो चेकआउट करके अभी हम आ गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए, और ये व्यू वेदर में क्या करूँ इसका, आप लोग भी सोचते होंगे लड़की पागल हो चुकी है। ऑफ कोर्स मैं पागल हो गई हूँ क्योंकि ये है ही इतना ब्यूटीफुल। खैर, आज के ब्लॉग में तो इतना ही, आगे जो नेक्स्ट कल मेरा वीडियो आने वाला है वो इसी से ही कंटिन्यू होगा, इसी के बाद से ही कंटिन्यू होगा, तो देखना मत भूलिएगा। और दैट्स इट फॉर टुडेज। और कैसा लगा आपको आज का मेरा वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके। अच्छा लगा हो तो आपको पता ही है, लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।